साथियों, अगर आप पाना चाहते हैं आने वाली सभी भर्तियों में बड़ी कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर और आने वाली सभी भर्तियों के नोटिस की ऑफिशियल PDF, तो अभी सर्च करें ITICampusvacancy.blogspot.com। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारी वेबसाइट से आप सभी कंपनियों के नंबर और भर्तियों के नोटिफिकेशन की PDF तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब अपडेट पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ ITI पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो कैंपस प्लेसमेंट की लेकर आता हूं। अभी अर्जेंट भर्ती निकल कर आई हुई है। JCB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ITI पास छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है, जिसमें पूरी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। JCB इंडिया लिमिटेड काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके बारे में सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलता हूं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अब तक हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो एक बार आप जाकर देख लेना। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जॉब की अर्जेंट आवश्यकता है तो 1 से 2 बार दिन में वेबसाइट पर विजिट कर लिया करो। वहाँ पर आने वाली हर अर्जेंट भर्ती के जो नोटिस होता है मैं वेबसाइट पर डाल देता हूँ। साथ ही जो कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, अगर आपको किसी भी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि सभी बेरोजगार छात्रों को जॉब मिल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए दोस्तों, बात करें अगर कंपनी नेम की, तो कंपनी का नेम मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। कंपनी का जो नेम है वो है JCB इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो कि मथुरा रोड बल्लभगढ़ हरियाणा में है। याद रखिएगा, ये जो कंपनी का प्लांट है ये मथुरा रोड बल्लभगढ़ हरियाणा वाला है, ये राजस्थान वाली भर्ती नहीं है, ठीक है ना। वो थंबनेल पर थोड़ा सा मिस्टेक था। ये एड्रेस रहेगा कंपनी का। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कैंपस प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी है वो 18 साल से 25 साल के बीच में रखी गई है, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कैजुअल जो है, यहाँ पर ओनली आपको 6 महीने ही जॉब मिलेगी, ठीक है ना। 6 मंथ का आपको यहाँ पर सिर्फ जॉब मिलेगा, कैजुअल जॉब है। बट आप लोगों को यहाँ से क्या बेनिफिट होने वाला है, मेरी बात सुनो। आप लोग जब यहाँ पर 6 महीना काम कर लेते हैं तो आप लोग जब किसी कंपनी में जाएंगे, ठीक है, तो आप अगर वहाँ पर जाकर बोलते भी है ना कि सर आपने पहले कहाँ पर जॉब किया हुआ है, सर JCB में हमने काम किया था और इस स्कीम में हम JCB में गए थे, तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिल जाता है। ग्रोथ सैलरी की बात करें ITI पास आउट छात्रों को, यहाँ पर 15,329 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। 15,300 रुपया पर मंथ मिलेगा ITI पास आउट छात्रों के लिए, और PM हेल्पर जो है उनको हेल्पर वालों को, ठीक है ना, हेल्पर को यहाँ पर 13,146 रुपया पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। 8 घंटे आपको पर डे ड्यूटी करना होगा। पूरी डिटेल बता रहा हूँ, एक भी चैनल वाला नहीं बताता होगा, सब जगह आपको पता ही होगा, अंडरस्टैंड चलता है कुछ भी, है ना। 8 आवर आपको पर डे ड्यूटी करना होगा, डे और नाइट, यानी कि 2 शिफ्टें यहाँ पर चलती हैं और वीकली बेसिक्स आपका अलग अलग चेंज होती रहती हैं। ओवर टाइम की बात करें तो एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट ओवर टाइम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से बेनिफिट्स में आपको SI कन्वेंस एंड अटेंडेंस इंसेंटिव PF सब्साइड कैंटीन आदि सब कुछ मिल जाता है। सिलेक्शन का जो मोड रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों, पहले आपका टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट में पास होते हैं तो ही आपका इंटरव्यू होगा, अन्यथा आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। फुली कोविड वैक्सीन विल बी बिफोर ओनली फर्स्ट डोज वैक्सीन विल नॉट कंसर्ड है, यानी कि जिनका फर्स्ट डोज ही लगा है वो इसमें नहीं जा पाएंगे, जिनके दोनों वैक्सीन डोज लग गए हैं वही छात्र इस कैंपस में जा पाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल फोटोकॉपी लेकर जाना है, फोटोग्राफ ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और ID ले जाना, बैंक पासबुक की डिटेल ले जाना, पूरी पासबुक ले जाना, जेरोक्स ले जाना। इस कैंपस में ITI पास छात्र जो है वो फिटर ट्रेड के 50 पोस्ट है, वेल्डर के 25 और डीजल मैकेनिक के 25 पोस्ट हैं। याद रखना, ITI की सिर्फ इन 3 ट्रेड के छात्र इसमें जा पाएंगे। फिटर, वेल्डर और डीजल मैकेनिक से पास आउट छात्र इस कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट की डेट और स्थान की बात करें तो 8 अक्टूबर यानी कि 8/10/2021 को इस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन 10 AM से किया जाएगा। 10 बजे आप लोगों को पहुँच जाना है 8 तारीख को। गवर्नमेंट ITI
सेक्टर 5 रोहतक में, रोहतक के गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में इस कैंपस का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसी दोस्तों आज की वीडियो में आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट की अपडेट, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कैंपस प्लेसमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सभी बेरोजगार छात्रों को जॉब मिल सके। हमारे चैनल की जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब उस पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर सामने ही सब भर्तियाँ, जो अर्जेंट भर्तियाँ होती है, जिनको यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ कभी कभी, वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी हमारे चैनल पर ही हर रोज़ सब अपडेट डाली जाती है। याद रखना है दोस्तों, मारुति सुजुकी का अगर आप लोगों ने TW या CW का फॉर्म डाला है तो आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। याद रखना, TW CW के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। असेसमेंट टेस्ट के लिए आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। टेस्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए रात को मैं लाइव आया था, सारे क्वेश्चन बताए हैं, वही सेम क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने वहाँ पर बता दिए हैं, जाकर उसको देख लेना। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।